हेलो फ्रेंड्स, मेरी स्टिचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे घेरे वाला प्लाजो बनाना, जिसके लिए हमने ये 2 मीटर रियोन का फैब्रिक लिया है। इसी रियोन के फैब्रिक से हम इस प्लाजो को बनाएंगे। इस कपड़े का जो पना है वो 50 इंच की लंबाई है। अगर कपड़े की लंबाई 40 है तो 3 मीटर कपड़ा लें आप। कपड़े को तिकोना कर लीजिए आप इस तरीके से जैसे हमने किया है, अच्छे से सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे कमर साइज है 40, 40 का चौथा हिस्सा आता है 10 इंच, और 10 इंच में हमने 2 इंच और ज़्यादा लिया है तो हो गया ये 12 इंच। तो हमने 12 इंच लेके और इस तरीके से अब ऊपर से नाप लेंगे। जैसे ये हमारा 17 इंच पे आ रहा है, तो पूरा जो ये सर्कल है वो एक ही राउंड में होना चाहिए, यानी कि जितना हमने पूरा नापना है 17-15 जितना भी आपका आता है उतना आप लीजिए। अब इसमें हम 4 इंच की बेल्ट अलग से लगाएंगे, तो 4 इंच ऊपर निकाल के इंच टेप को, और यहाँ पे आसन का निशान लगाएंगे हम 15 इंच पे, ठीक है। अभी हम यहाँ से 2 या 1.5 इंच ले लेंगे, और ध्यान रखें जो भी आप जितनी भी बेल्ट लगा रहे हो उतना ऊपर निकाल दें पहले, जैसे हम बेल्ट में निकालते हैं सलवार के लिए। अब जो सलवार की इसकी प्लाजो की लेंथ होगी वो 40 इंच होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से 4 इंच ऊपर निकाल के हमारा जितना भी आ रहा है, ये रियोन का फैब्रिक है, ये वैसे भी थोड़ा सा मतलब खिंचता है सिलने के बाद में, बड़ा होता है कपड़ा ये, तो इसीलिए मैं इसमें जो सिलाई का मार्जिन है वो भी इसी के अंदर रखूँगी, 40 के अंदर ही, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ से कट कर लूँगी, ये पॉइंट को मैं इससे नीचे तक मिला दूँगी तरीके से। अब जैसे ड्राफ्टिंग की ऐसे ही कटिंग करेंगे। कमर वाला हिस्सा कट कर लेंगे और आसन वाला हिस्सा। नीचे तक पूरा किनारी वाला पार्ट अलग कर देंगे इसमें से। तो ये कटिंग हो गई है हमारी, एक बार खोल लेते हैं और इसके लिए बेल्ट कट कर लेते हैं। तो ये देखिए घेरा काफ़ी ज़्यादा आएगा इसका। अब जो बचा हुआ फैब्रिक था उसी में से हम लगभग 6 इंच चौड़ी और अपनी जो कमर है हमारी उस उतनी ही बेल्ट ले लेंगे। हमने एक सीधी पट्टी कट कर ली है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम इसमें इलास्टिक के लिए भी चाहिए हमें। अभी हमें क्या करना है, ये हमारी बेल्ट यहाँ पे जुड़ेगी, ठीक है। ये आसन को यहाँ से और दूसरे आसन को भी वहाँ से सिल के और फिर इसका बॉटम मोड़ेंगे। तो कैसे सिलना है वो आप देख लीजिए तरीका। दोनों की राइट साइड अंदर होनी चाहिए, उल्टी साइड ऊपर होनी चाहिए। तो पहले आपको आसन सिलना है ऐसे यहाँ से और यहाँ तक, चल नीचे से बॉटम फोल्ड कर लीजिए पहले आपको जो भी ठीक लगे। उसके बाद जो इसका ये वाला हिस्सा है नीचे का घेरा होता है जो, इस पे या तो आप पीको करा लीजिए, पतली पतली पीको भी अच्छी लगती है, या फिर आप ऐसे पहले तो इसको आधा इंच फिर आधा इंच और इसको पतला पतला सा फोल्ड कीजिए, फिर बहुत अच्छा लुक आता है अगर थोड़ा पतला फोल्ड करते हैं तो हम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और जो बेल्ट है वो सिंपल ही लगानी है। तो पहले हम इसका ये बॉटम ही मोड़ लेते हैं, इसको एक बार ऐसे और एक बार ऐसे पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने बॉटम को मोड़ दिया है दोनों को ही। अब जो हमने निशान लगाया था आसन के लिए, अब हम वो सिल लेंगे यहाँ से और नीचे तक सिलते हुए लाएंगे। अब ये सिल गया हमारा। अभी हम क्या करेंगे, दूसरे आसन को भी सिलेंगे। दोनों आसन सिल गए हमारे। अभी हम क्या करेंगे कि इसमें बेल्ट लगा लेंगे, इसको ऐसे रख लेंगे। ये अभी पहले इसको हमने कर लिया है खोल के, अब हम बेल्ट को लेंगे। सीधी पट्टी है हमारी एक, जितनी एक्स्ट्रा होगी उसको हम कट कर देंगे। तो आधा इंच छोड़ के हमने सिलाई क्योंकि वहाँ से जॉइंट भी करना है। अब हमने सीधी साइड को बेल्ट को उल्टा करके रखा है, ठीक है। प्लाजो की सीधी साइड है, बेल्ट को उल्टा करके रख के, और जितना भी बड़ा इसका सर्कल है गोल उतने में हम पूरे में लगा के और एक्स्ट्रा बेल्ट को कट कर देंगे इसमें से। तो देखिए अब यहाँ से हमारी जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके अब यहाँ से सिल देंगे इसको। अब हम इसको लगभग, हमने इसमें 2 इंच ज़्यादा लिया था तो हम इसको 2 इंच का ऐसे मोड़ के पूरा फोल्ड कर देंगे। इसमें हमारी इलास्टिक आएगी, अगर इलास्टिक की चौड़ाई 1.5 इंच है तो 2 इंच मोड़े उसको, क्योंकि थोड़ा सा लूजिंग के लिए भी चाहिए वरना घूमती है इलास्टिक। अब जैसे हम सलवार में नाड़ा वगैरह डालते हैं उसी तरीके से 1 इंच कपड़ा यहाँ से छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए, क्योंकि इलास्टिक अंदर डालेंगे ना तो, और नाड़े की तरह डाल के बस उसको, उस कपड़ा जो खोला है छोड़ा है हमने खुला,
वहाँ से फिर उसको बंद कर देंगे। अब यहाँ से इसकी फिटिंग कर देंगे पूरे ही दोनों पैरों की आसन से लेके नीचे तक। तो हमारा प्लाजो बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाता है और इसको बनाना, इसकी कटिंग पूरी बहुत आसान है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगी और कभी भी अगर प्लाजो बना रहे हैं तो रियोन के फैब्रिक से बनाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कॉटन के कपड़े से भी बना सकती हैं लेकिन रियोन का कपड़ा सबसे बेस्ट होता है प्लाजो के लिए। किसी भी कलर में बनाइए, दोनों साइड से फिटिंग करने के बाद हमारा लुक कुछ इस तरीके से आया है। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी घेरा आया है इसमें, जो बनने के बाद में घेरा आता है। अगर कहीं पे डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।